दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने चार्जेस भरने पड़ते हैं और इस कार्ड के साथ आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस कार्ड की सारी डिटेल्स को जान पाएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। ये एक लो मेंटेनेंस फीचर लोडेड क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए आप बहुत ही इजीली अपने मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 ईयर्स है, 21 से 70 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कि आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ। इसके लिए सैलरीड भी एलिजिबल है और नॉन सैलरीड भी एलिजिबल है। एज ब्रैकेट यही रहेगी, मिनिमम 21, मैक्सिमम 70 ईयर्स। सिबिल क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम 750 का। जिसका भी सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट किसी का सिबिल स्कोर अगर 750 से कम होगा उसका एप्लीकेशन SBI रिजेक्ट भी कर सकता है। क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो सिबिल स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप टाइमली रिपेमेंट्स नहीं करेंगे, मिनिमम ड्यू अमाउंट टाइम पर नहीं देंगे या पूरा बिल सेटल नहीं करेंगे टाइम पर, तो ये आपकी सिबिल को बहुत बैडली इम्पैक्ट करेगा। कल को आपने कोई भी लोन लेना होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, टाइमली रिपेमेंट्स करें, टाइमली पैसा वापस करते रहें, रोटेट करते रहें, फ्री ग्रेस पीरियड का फ़ायदा लें, बट उसके बाद टाइमली अपनी पेमेंट कर दें ताकि आपकी सिबिल बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना हो पाए। अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड की जो डिफ़ॉल्ट होता है वो बहुत ही जल्दी आपके सिबिल को इम्पैक्ट करता है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस एप्लीकेशन लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस पेज पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्ट जर्नी। स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, प्रोफेशनल डिटेल्स भरने हैं और अपना KYC देना है। जस्ट इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसमें कुछ भी आपसे आउट ऑफ बॉक्स नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपके पर्सनल डिटेल्स ही पूछे जाएंगे। आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, OTP से मोबाइल नंबर कंफर्म किया जाएगा। अपने प्रोफेशनल डिटेल देने, आप क्या जॉब करते हैं उसके डिटेल्स देनी है, आपकी सैलरी कितनी है या जो भी आप प्रोफेशन करते हैं उसकी डिटेल्स देनी है। अपना KYC देना है। KYC में आप एक एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, वैलिड एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, इसी से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिनिमम सिबिल क्राइटेरिया ही 750 एंड अबाउ। सिबिल स्कोर से ही आपकी फाइनेंशियल करेक्टर के बारे में बैंक को पता चलेगा, उसी के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड किया जाता है। सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट कर दें, आपका एप्लीकेशन जो है बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको आगे प्रोसेस कर देगा। उसके बाद में शायद आपसे मीटिंग की जाए या आपसे ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा सकते हैं। तो आपसे मीटिंग करके आपकी डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और मीटिंग का टाइम भी आप ही डिसाइड करेंगे। आपसे परमिशन ली जाएगी, एग्जीक्यूटिव्स आपके पास आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी का KYC रहेगा, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, उसके बाद में आपका ID कार्ड, जिस भी फर्म में जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ से आपको जो ID कार्ड मिला होगा उसकी कॉपी आपको देनी होगी। उसके बाद में जो भी आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप की भी आपको कॉपी प्रोवाइड करनी होगी। उसी से डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना मैक्सिमम कार्ड लिमिट दी जाएगी। अब बात करेंगे कार्ड चार्जेस की। कार्ड चार्जेस की अगर बात करें तो इसके एनुअल चार्जेस रहेंगे 499 प्लस GST। फर्स्ट टाइम आपको देने होंगे, उसके बाद में हर साल आपको 499 प्लस GST पे करना होगा। लेकिन अगर आप SBI का स्प्रिंट पोर्टल है जिसका हमने लिंक भी आपको नीचे दिया, उस पोर्टल से आप अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के चार्जेस वेव किए जाएंगे। बट अगर आपको चार्जेस वेव किए जाएंगे तो आपको अमेज़न का एक वाउचर है 500 रुपीज़ का, जो इस कार्ड के साथ आपको दिया जाता है, वो वाउचर शायद आपको ना मिले। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं 499 जब आप चार्जेस भरेंगे, उसके बाद में आपको 499 रुपीज़ का अमेज़न का एक वाउचर दिया जाता है कि वैलिडिटी पूरे 12 मंथ्स रहती है। आप 12 मंथ्स में कभी भी उस वाउचर को रिडीम कर सकते हैं।
तो अगर आपको वो वाउचर मिलता है तो एक तरह से आपके पैसे जो आपसे लिए गए हैं वो आपको रिफंड हो जाते हैं और आपका कार्ड फ्री हो जाता है। उसके बाद में एक साल कार्ड यूज़ करने के बाद आपसे चार्जेस लिए जाएंगे 499 प्लस GST। अगर आप 12 मंथ्स में 1 लाख या उससे ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपके जो चार्जेस हैं वो वेव कर दिए जाएंगे, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इस कार्ड को आप एज ए फ्री कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हर साल 1 लाख या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते रहेंगे तो आपके चार्जेस वेव किए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे बैंक हैं जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देते हैं, बट SBI कोई भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं देता। यही जो कार्ड्स हैं, बेसिक कार्ड्स हैं, इनके सबसे कम चार्जेस हैं और वो भी आपको वेव किए जा रहे हैं अगर आप 1 लाख से उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं। आप इसको एज ए फ्री कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि आपको साल की 1 लाख की शॉपिंग करनी होगी, जो कि बहुत ही इजी होगा। अगर आप साल में एक बार एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं और छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं तो 1 लाख साल का ज़्यादा नहीं होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 8,000 समथिंग रहेगा पर मंथ का, जो आपको शॉपिंग करनी होगी इस कार्ड से। और ये कार्ड सभी जगह आपका चल जाएगा, सभी ई कॉमर्स साइट्स पर आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, तो 1 लाख आपका ईजिली क्रॉस हो जाएगा और आपके चार्जेस जो हैं वो वेव हो जाएंगे। अगर आप 2 लाख एंड अबव की शॉपिंग करेंगे तो आपको 2,000 का वाउचर भी इस कार्ड के साथ मिलेगा। बाकी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स की तरह इसमें भी आपको 20 से 50 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और ये डिपेंड करता है आपके बिलिंग साइकिल पे। जिस तरह का बिलिंग साइकिल होगा उसी हिसाब से आपको पीरियड मिलेगा। मेरी सजेशन आपको यही रहेगी, आप जो भी स्पेंडिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, जब उसका बिल जनरेट होता है तो उसके बाद में आप जो भी पेमेंट करते हैं तो आप कोशिश करें कि उसके कंप्लीट पेमेंट कर दें, मिनिमम ड्यू पेमेंट ना करें। उसमें भी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है, तो बेटर है अगर आप पूरा फुल पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कैश एडवांस की बात करें तो इस कार्ड की जो टोटल लिमिट रहेगी उसका 80% आप कैश एडवांस ले सकते हैं। मैक्सिमम सीलिंग जो पर डे की रखी गई है 12,000 रुपया कैश मैक्सिमम विदड्रॉ करा सकते हैं आप कार्ड से, बट कैश विदड्रॉ कराना बहुत कॉस्टली रहता है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विदड्रॉ ना कराएं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। बेटर है कि आप किसी वेंडर के पास स्वाइप कर लें, अगर उससे आपको कुछ कैश मिलता है, या शॉपिंग कर लें, शॉपिंग के लिए ही यूज़ करें, क्योंकि आजकल सभी प्लेटफॉर्म्स पे क्रेडिट कार्ड यूज़ हो जाते हैं, तो कैश लेना अवॉइड करें क्योंकि कैश के बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं भी यूज़ करेंगे शॉपिंग के लिए तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे और डिस्काउंट भी मिलेगा बहुत। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप इसको शॉपिंग के लिए यूज़ करें, कैश विड्रॉ कराने के लिए यूज़ ना करें। अगर आप शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स साइट पे, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ साथ आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी इन कार्ड्स पे मिलता है। इन केस अगर आप कैश एडवांस लेते हैं तो आपको उसके लिए चार्जेस भरने पड़ेंगे 2.5% ऑफ द अमाउंट और ₹500, या तो जितना अमाउंट आपने निकाला उसका 2.5% या 500, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कम से कम 500 तो आपको देना ही है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट बनता है आपका, ज़्यादा चार्जेस बनते हैं, क्योंकि 2.5% आपको देना है, तो 2.5% के हिसाब से अगर ज़्यादा चार्जेस बनते हैं तो उतने चार्जेस आपको कैश एडवांस के लिए पे करने पड़ेंगे। और जाते जाते एक चीज़ और, अगर आपका कार्ड कहीं लॉस्ट हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक करा लें, नहीं तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। ब्लॉक करवाने के लिए आपको जस्ट एक SMS करना है, ब्लॉक स्पेस last 4 digit ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, और उसको SMS कर देना है 5676791 पे। आप जैसे ही उस पर SMS करेंगे आपका कार्ड जो है वो इमिडिएटली ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।